पंजाब नेशनल बैंक के साथ 11,300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई द्वारा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक आरोपी कारोबारियों ने ज्यादा पैसा वित्त वर्ष 2017-18 में गबन किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नीरव मोदी ने जिन एलओयू के जरिए बैंक को चूना लगाया वो साल 2017 में ही जारी किए गए थे। पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी मामले में 14 फरवरी को कहा कि उसे अब 6,498 करोड़ रुपए की जालसाजी किए जाने की आशंका है। इस तरह दोनों मामलों में बैंक को कुल 11,300 करोड़ रुपए का चूना लगा है।